शिक्षा का उद्गम है, यहाँ ज्ञान का संगम है। कहीं नर्म धूप है सूरज की, कहीं नया रंग है। अतीत है जिसका स्वर्णिम, वो है शोध शिक्षा कालय। यह लखनऊ विश्वविद्यालय, यह लखनऊ विश्वविद्यालय, यह लखनऊ विश्वविद्यालय, यह लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार मिश्रा लखनऊ विश्वविद्यालय विधि संकाय से LLM का छात्र हूं, और आज इस वीडियो के माध्यम से आपके उन बहुत सारे प्रश्नों का और आपकी दुविधाओं का समाधान करूंगा जो प्रवेश संबंधी आपके मन में चलती रहती हैं। दोस्तों, यदि आप लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहते हैं तो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है, जो हर वर्ष मार्च महीने में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाता है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने आवेदन फॉर्म भर दिया होगा। और अब आइए बात करते हैं प्रवेश परीक्षा की रणनीति पर, आपको कैसे तैयारी करना है, आपको क्या क्या पढ़ना है, और परीक्षा के 10 दिन 15 दिन रह जाने पर आपको किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना है, और आपको प्रश्न पत्र हल करते समय किन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान देना है। ये सब बहुत सारी बातें हैं जो आपके मन में चलती रहती हैं। आइए प्रयास करते हैं कि उन बातों को समझा जाए। देखिए दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय LLM प्रवेश परीक्षा जो है वो गत कुछ वर्षों से MCQ पैटर्न पर हो रही है। आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिया होता है। उनमें से आपको सही विकल्प चुन करके OMR सीट पे भरना होता है। इस परीक्षा के लिए जो है तकरीबन 2 घंटे या 1.5 घंटे का समय मिलता है। कुल इस कोर्स में विश्वविद्यालय में कुल 66 सीटें हैं, और यदि आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको 25 रैंक के अंदर आना होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि आपको इस प्रवेश परीक्षा के लिए किन किन विषयों को पढ़ना है। तो देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में LLM कोर्स में प्रवेश पाने के लिए कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। इनके लिए उन्हीं विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपने LLB में पढ़ा है। अगर लखनऊ विश्वविद्यालय के आप छात्र रहे हैं तो आपके लिए एक सुखद बात है कि जो भी प्रश्न या जिन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे उनको कहीं ना कहीं आपने LLB पाठ्यक्रम में ज़रूर पढ़ा होगा। दोस्तों, हम में से बहुत सारे छात्र हैं जो मेहनत भी करते हैं, अध्ययन को भी समय देते हैं, लेकिन किसी कारण से परीक्षा में उत्तीर्ण प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, जिस कारण वो प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। तो इसमें उनका दोष नहीं है, दोष होता है उनके पढ़ने की, उनके जो पढ़ने का पैटर्न है, या फिर कह लीजिए जानकारी का अभाव या मार्गदर्शन का अभाव। मार्गदर्शन नहीं होता है कि वो किस दिशा में पढ़ें और किस प्रकार से पढ़ें। तो देखिए, अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के LLM कोर्स में प्रवेश पाना है तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, आपको 3 चरणों में इन विषयों को पढ़ना होगा। देखिए, पहले चरण में आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी यूनाइटेड चार्टर और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये 2 चीज़ों को आप प्राथमिकता से पढ़ें। और दूसरे नंबर पे आप जो है ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ें और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें। मतलब आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि प्रथम चरण में आप जो है ज्यूरिसप्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के चलेंगे, और दूसरे चरण में आप जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, एविडेंस एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ेंगे, और तीसरे चरण में आप IPC और फैमिली लॉज को पढ़ेंगे। देखिए, क्या है कि आप के सबसे ज़्यादा प्रश्नों की संभावना जिन विषयों को आपने प्रथम चरण में रखा है उनसे आने की रहती है, और उसके बाद जो प्रश्न हैं वो दूसरे चरण वाले विषयों से भी भारी अच्छी मात्रा में रहते हैं।
और उसके बाद में जब आप परीक्षा दे रहे हों तो आप ध्यान रखिए कि आपको समय सीमा के अंदर सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। और दूसरी चीज़ जो है, आप प्रयास करिए कि हालांकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किंतु आप अपने तरफ से प्रयास करिए कि प्रथम चरण में आप उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दें जिनके उत्तर आपको 100% क्लियर हैं। उसके बाद में जो प्रश्न आपको संदेहास्पद लग रहे हैं या जिनके विकल्पों के बीच में आप जो है नहीं चुन पा रहे हैं कौन सा सटीक विकल्प होगा, तो आप उनको जो है गोला बनाते चलिए या कोई निशान बनाते चलिए। और जब आप दूसरे चरण में आएँ तो उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है तो प्रयास ये करिए कि सारे प्रश्नों का उत्तर आप दें, वो आपके पक्ष में होगा। और उसके बाद में जो है आप समय सीमा के भीतर सारे गोले जो है भर लें। गोले भरते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि यदि एक भी गोले का क्रम अगर बिगड़ता है तो आपके सारे उत्तर गलत हो जाएंगे और आप प्रवेश से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हों और लखनऊ विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक विधि संकाय का हिस्सा बने। इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि अपने अनुभवों से आप लोगों के मार्गदर्शन हेतु सदैव उपलब्ध रहूँ। सिर्फ किताबें नहीं, यहाँ ज्ञान कहीं भी मिलता। क्लासरूम की शिक्षा के संग संस्कार भी फलता। सिर्फ किताब नहीं, यहाँ ज्ञान कहीं भी मिलता। क्लासरूम की शिक्षा के संग संस्कार भी फलता। गढ़ते हैं कच्चे घड़े अज्ञान के खोल के ताले। यह लखनऊ विश्वविद्यालय, यह लखनऊ विश्वविद्यालय, यह लखनऊ विश्वविद्यालय।